हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। सो आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो वीएमवेयर टेक्नोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। और वीएमवेयर टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस का सिलेक्शन किया है, जिसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कॉन्फिगर एचए इन वीस्पेयर 6.7। अगर आपके इन्वायरमेंट में वीस्पेयर 6.7 का सेटअप है, आपके पास वी सेंटर है, आपके पास ESXi है, तो उसके अंदर जो एचए कॉन्फिगर करने का स्टेप्स होता है वो हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। साथ ही आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है एचए से रिलेटेड वो हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट। तो फटाफट हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम रेंडमली आपने इस वीडियो को सेलेक्ट किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे एक ही प्लेस पे आपको सिर्फ वीएमवेयर ही नहीं, आपको अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअलाइजेशन की वीडियो प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में अरेंज की गई है। तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली एचए है क्या, वाई वी नीड टू कॉन्फिगर इन इन्वायरमेंट। उसके बाद फिर हम इसका एक प्रैक्टिकल देखें, डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर जाकर के इन्वेंट्री में जाकर वी सेंटर को लॉग इन करा करके हम एक एचए कॉन्फिगर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और एचए कॉन्फिगर करने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला। तो सबसे पहले अपने पास एजेंडे की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज एचए राइट इन वीएमवेयर। बेसिकली हम मोस्टली सर्च भी करते हैं, अगर हमें हमारा कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू द वीएमवेयर एचए, तो पहले कोशिश करते हैं समझने की एचए है क्या। सो एज पर द नेम हाई अवेलेबिलिटी, अगर आप वर्चुअलाइजेशन की बात करें, हाइपरवाइजर की बात करें, तो हम फेलओवर क्लस्टर डिज़ाइन करते हैं राइट। या फिर हम क्लस्टर वर्ड आते ही आपके माइंड में एक सेटअप बन जाता है कि नहीं, क्लस्टर के अंदर तो बहुत सारे सर्वर्स को अरेंज किया जाता है, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ सर्वर इज कॉल्ड क्लस्टर। उसी तरीके से हम अपने वर्चुअलाइजेशन के केस में एचए को कॉन्फिगर करते हैं टू प्रोटेक्ट अवर वर्चुअल मशीन। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके इन्वायरमेंट में मल्टीपल ESXi अवेलेबल हैं या दो ESXi अवेलेबल हैं, ESXi 1 और ESXi 2, दो ESXi आपके इन्वायरमेंट में हैं और हर एक ESXi में कुछ वर्चुअल मशीन्स रन कर रही हैं। वी नो दैट कि ESXi कंटेन द वर्चुअल मशीन, जो हमारी VMs रन करेंगी वो ESXi होस्ट के अंदर अवेलेबल रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका जो ESXi 1 है इसमें 5 VM रन कर रही है, ठीक है, 5 VM इसमें है। और आपके पास जो ESXi 2 है इसमें भी कुछ वर्चुअल मशीन्स लाइक है एज 6 VMs यहाँ पे रन कर रही हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं एचए की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एज पर द नेम ऑफ एचए हाई अवेलेबिलिटी, अब आपका सब कुछ सही से चल रहा है, वर्चुअल मशीन से आपका RDP एक्सेस हो रहा है, वर्चुअल मशीन टर्न ऑन है, ईच एंड एवरीथिंग, क्लाइंट को एक्सेस मिल रहा है RDP का या VDI का, सब कुछ एक्सेस मिल रहा है। इन केस अगर आपका ESXi 1 या ESXi 2 में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इट में बी फिजिकल डैमेज या हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, नेटवर्क डैमेज हो गया या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके ESXi 1 में आ गई, तो जो उसके अंदर की वर्चुअल मशीन्स हैं उनका क्या होगा। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेसिकली HA को कॉन्फ़िगर करते हैं और HA में हम अपनी ESXi होस्ट को, जितने भी ESXi होस्ट हैं, जैसे यहाँ पे हमने दो के बारे में डिस्कस किया है, तो दोनों ESXi होस्ट को हम HA से जोड़ देंगे। और HA की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जब भी आपका ESXi में कोई प्रॉब्लम आएगा, जब भी ESXi डैमेज होगा, तो उसके अंदर रन करने वाली जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो ऑटोमेटिक मूव हो जाएंगे ESXi 2 के केस में, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें तो सारी चीज़ें समझ में आ रही है क्लियर तरीके से कि हाँ ठीक है, हम क्लस्टर बनाएंगे, क्लस्टर में अपने ESXi को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उस क्लस्टर में HA को एक्टिवेट कर देंगे। HA एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा कि HA एक्टिवेट जैसे हम करते हैं, हमारी जो VMs होंगी वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएंगी, जो भी वर्चुअल मशीन ESXi में रन कर रही है वो 2 में मूव कर जाएगी, या 2 में कोई प्रॉब्लम आई तो जो 6 वर्चुअल मशीन ESXi 2 में है वो मूव होकर के आपके ESXi 1 में मूव हो जाएंगे राइट। तो जिससे हमारी वर्चुअल मशीन फुली प्रोटेक्टेड हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ HA। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, HA कॉन्फिगर करने के पहले हमें कौन कौन से स्टेप देखने पड़ेंगे या हमारे पास कौन कौन सी सर्विस एडिशनल हमें एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। उम्मीद है आपको HA को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप HA को सिंपल सा बोल सकते हैं हाई अवेलेबिलिटी, जिस केस में एक ESXi डैमेज होने पर उसकी वर्चुअल मशीन दूसरी ESXi में अपने आप मूव हो जाती है। अब प्री रिक्विजिट की बात कर लें, बेसिक रिक्वायरमेंट की बात कर लें, तो जाहिर सी बात है ESXi विथ वर्चुअल मशीन जो तो नॉर्मल है वो होगी, ESXi विथ VMs। सेकेंड आपके पास क्या होना चाहिए, वी सेंटर सर्वर, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि क्लस्टर आप तभी बना पाएंगे जब आपके एनवायरनमेंट में बीसेंटर सर्वर होगा, राइट। और जो हमारा एचए है वो बीसेंटर सर्वर के अंदर क्लस्टर का पार्ट है। थर्ड स्टेप की बात करें तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है मस्ट बी यूज शेयर स्टोरेज, मीन्स जो भी वीएम आपकी रन कर रही हैं उनका जो वीएमडी के फाइल है वो उनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है वो शेयर स्टोरेज में रहनी चाहिए। अगर फोर्थ स्टेप की बात करें, बोथ ESXi जितनी भी ESXi होस्ट हैं मस्ट बी कनेक्ट, राइट, मस्ट बी कनेक्ट टू शेयर स्टोरेज। दोनों ESXi का कनेक्शन आपके शेयर स्टोरेज से होना चाहिए, राइट। ये हो गया अपने पास फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप की बात कर लेते हैं कि अगला क्या स्टेप होना चाहिए। जब ESXi हम कॉन्फिगर करते हैं उसके नेटवर्किंग पार्ट में जाते हैं तो उसमें एक VMotion का ऑप्शन रहता है, एक फॉल्ट टॉलरेंस का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आपका जो स्टैंडर्ड स्विच है तो आप बोल सकते हो VMotion/fault tolerance मस्ट बी एक्टिव, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप ESXi इंस्टॉल करते हो तो ये जो स्टैंडर्ड स्विच के अंदर VMotion की सर्विस या फॉल्ट टॉलरेंस की सर्विस रहती है वो अनचेक रहती है, आपको चेक मार्क करना पड़ेगा जिससे दोनों ESXi का जो VMotion सर्विस है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाए। इज इट ओके? ये अपने पास पांच बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो आपको कॉन्फिगर करनी पड़ेगी, ठीक है, जो आपको पहले देखना पड़ेगा HA कॉन्फिगर करने के पहले। तो ये रिक्वायरमेंट है, जब भी अगर आप प्लान कर रहे हो HA कॉन्फिगर करने के लिए तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको देखनी पड़ेगी, राइट। इतने स्टेप हुए, अब हम बात करते हैं सेटअप कैसे बनाएंगे। तो एक दूसरा पेज हम ओपन करते हैं MS Paint में ही, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ये HA का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे मिलेगा, बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल है। अब जैसे अपने पास एक वी सेंटर है, वी सेंटर का नाम है core.local, ठीक है, core.local ये अपने पास वी सेंटर का नाम है और इस वी सेंटर सर्वर से वी नो दैट कि डेटा सेंटर ऐड होता है, वी सेंटर कनेक्टेड विद डेटा सेंटर। तो एक डेटा सेंटर हम बना लेते हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग के नाम से हमने एक डेटा सेंटर बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, उस डेटा सेंटर को अटैच कर दिया अपने core.local यानी वी सेंटर सर्वर पे। अब जो भी जो डेटा सेंटर है ट्रेनिंग के नाम से इसको आप अटैच करेंगे किससे, क्लस्टर से। तो अगला जो स्टेप जाएगा वो रहेगा क्लस्टर, ये थर्ड ऑप्शन पे हमने क्लस्टर बनाया और जो क्लस्टर का हमने नाम रखा, फॉर एग्जांपल हमने रख दिया नाम क्लास क्लस्टर, ठीक है। अगर आपने भी सेंटर सर्वर का इन्वायरमेंट देखा होगा, चेक किया होगा, वर्क किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती होंगी। और अब जो क्लस्टर है उस क्लस्टर के अंदर आप अपनी ESXi को रखते जाएंगे, जितनी भी ESXi होस्ट हैं उस क्लस्टर के अंदर आपको ऐड करना है। ESXi 1 हो गया या ESXi 2 हो गया, ठीक है, या ESXi 3, जितने भी ESXi होस्ट हैं आप उन क्लस्टर में मैनेज करते जाएंगे, इस्टेब्लिश करते जाएंगे। अब आप देख रहे हो कि पहला आपका वी सेंटर सर्वर की डिटेल, फिर डेटा सेंटर, फिर क्लस्टर, फिर उसके अंदर ESXi। अब बात जो करते हैं क्लस्टर के फीचर्स की बात करते हैं, तो बेसिकली क्लस्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट फीचर अवेलेबल हैं, एक अपने पास है DRS और दूसरा अपने पास है HA। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने आपको डिस्क्राइब किया था प्रैक्टिकली कि DRS कैसे कॉन्फिगर करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो HA के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि DRS है क्या। बेसिकली DRS क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर। काम क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर का, कि अगर आपकी ESXi की जो कैपेसिटी है या इसका जो CPU या RAM या स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो ओवर यूसेज हो रही है, 75% आपने थ्रेशोल्ड लगा रखा है या 90% आपने थ्रेशोल्ड लगा रखा है और आप देख रहे हो कि आपका जो CPU ऑप्टिमाइजेशन है 90+ जा रहा है, 80+ जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो इसके पास एक्स्ट्रा वर्चुअल मशीन रहेगी, मान लीजिए ये VM से आपके पास और इस वर्चुअल मशीन, इस ESXi की कैपेसिटी थी 3 वर्चुअल मशीन हैंडल करने की, आपने 4 VM बना दी, VM तो क्रिएट हो जाएगी लेकिन जब आप वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन करेंगे तो वो आपकी ESXi की कैपेसिटी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा और ESXi को फील होगा कि हमारी कैपेसिटी के बाहर जा रहा है इस वर्चुअल मशीन को, तो वो क्या करेगा, DRS को इंडिकेट करेगा, DRS एक वर्चुअल मशीन को ऑटोमेटिकली रेंडमली पिक करेगा और उसको दूसरे ESXi पे मूव कर देगा। मीन्स इसमें इंतजार नहीं करेगा कि ESXi आपका डैमेज हो, ESXi का ऑप्टिमाइजेशन CPU RAM या स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन अगर बढ़ा तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन को मूव करके दूसरे ESXi पे फॉरवर्ड कर देगा। सेकेंड, इसी में हम कंपेयर करते हैं HA की, हाई अवेलेबिलिटी का जो ऑप्शन है कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हटके है, क्योंकि HA क्या करता है, इंतजार करता है कि ESXi में कोई प्रॉब्लम आए, मीन्स अगर ESXi आपका डैमेज हुआ, डिसकनेक्ट हुआ या आपका ESXi चलते चलते
PSOD मीन्स पर्पल स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाने लगा या फिर टर्न ऑन नहीं हो रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, मशीन ऑन नहीं हो रही है, SSI ऑन नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, आपकी SSI के अंदर अवेलेबल जितनी भी वर्चुअल मशीन है उनको उठाएगा और दूसरे SSI में मूव कर लेगा, जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लास्ट वाले स्लाइड में हमने बात की थी। तो बेसिकली हम बिल्कुल सेटअप देखना चाहते हैं कि इसका एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है, रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हम प्रोसीड करते हैं HA को कॉन्फ़िगर करना, राइट। DRS के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पुराने वाली वीडियो का, जिसमें हमने DRS के बारे में बात की है, तो आपके पास कंप्लीट पैकेज आ जाएगा और आप अच्छे से DRS और HA और DRS का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली भी आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। डायरेक्टली हम चलते हैं अपने vCenter सर्वर के पोर्टल पे या इन्वेंट्री पे। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो कमेंट कि हमें इसमें कन्फ्यूजन है या कुछ भी, हम कोशिश करेंगे अदर वीडियो बना करके सॉल्व करने की। बट अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल देखते हैं और प्रैक्टिकल में देखते हैं कि HA कैसे काम करता है। तो ये अपने पास सेटअप है, ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप है, ये भी स्पेयर क्लाइंट 6.7 है और वेब क्लाइंट हमने 6.7 इस्तेमाल किया है, अप्लायंस का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले vSphere पर क्लिक कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट है वो समझ में आ जाए। ये होस्ट एंड क्लस्टर है, राइट। हम होस्ट एंड क्लस्टर पे क्लिक करते हैं और होस्ट एंड क्लस्टर पे क्लिक करने के बाद ये जो नेम है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो vcsa-01.local ये vCenter सर्वर का नाम है, region A01 ये हमारे डेटा सेंटर का नाम है, उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है जो region 01 है, ये हमारा क्लस्टर है, राइट। तो एज पर द डायग्राम, अगर हम अपने डायग्राम की बात करें तो कुछ हमारा सेटअप ऐसे ही बन रहा है, पहले vCenter सर्वर, फिर उसके बाद डेटा सेंटर, फिर उसके बाद क्लस्टर। तो यहाँ पे हमारा क्लस्टर है और क्लस्टर में दो ESXi और ESXi के अंदर वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, राइट। तो क्लस्टर पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कितनी VMs है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ VMs देख लेते हैं। 4 वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, 2 VM टर्न ऑन है, 2 VM टर्न ऑफ है। अब इनको सेग्रीगेट कर लेते हैं कि ESXi 1 पे कितनी VMs अवेलेबल है। ESXi 1 को हमने सेलेक्ट किया और इसमें कितनी वर्चुअल मशीन दिखाई पड़ रही है, 2 VMs दिखाई पड़ रही हैं। नेम इनका है app01a template01a और ESXi 2 की बात करें तो ESXi 2 पे भी 2 वर्चुअल मशीन है, मतलब टोटल 2 ESXi और दोनों ESXi में 2 VMs हैं। हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं HA, तो HA का मतलब कि हम एक ESXi को जब बंद करेंगे तो उसकी जो वर्चुअल मशीन है वो ऑटोमेटिकली दूसरी ESXi पे मूव होनी चाहिए। प्रोसीजर देखते हैं कैसे करना है हमें। ये क्लस्टर है, आप क्लस्टर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, राइट। सेटिंग ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, लेकिन HA एक्टिवेट करने के पहले आपको जो प्री रिक्विजिट है, जो हमने अभी स्लाइड में बात की, ये पांचों चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, राइट। तो सेपरेटली इस पर बात करेंगे दूसरी वीडियो में कि कैसे सेटअप करते हैं, अभी आप हम देखते हैं प्रैक्टिकल की इसका रिजल्ट कैसे आता है। यहाँ पे आप देख रहे हो दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आपने सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्विसेज है, DRS का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और हाई अवेलेबिलिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। जब आप HA पे क्लिक करते हो, हाई अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हो, तो ये भी कंडीशन डिसेबल है, टर्न ऑफ दिखाई पड़ रहा है। आपको करना है क्लिक एडिट पे, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है HA को टर्न ऑन करने का। आप यहाँ से टर्न ऑन कर देंगे, जो कंडीशन है एज इट इज़ हम इसको छोड़ देते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके। दोनों ही ESXi के ऊपर पैरेलली, दोनों ही ESXi के ऊपर आपका HA जो है कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि आपकी जो दोनों वर्चुअल मशीन्स हैं, दोनों ESXi होस्ट हैं, वो आपके सेम क्लस्टर को प्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे 6%, ठीक है, प्रोसीड होने देते हैं इसको, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। जैसे ही हमारा HA कंप्लीट होता है, 50% हो गया है, जैसे हमारा HA कंप्लीट होता है, हम क्या करेंगे, एक ESXi को टर्न ऑफ करेंगे और इंतजार करेंगे क्या उसकी वर्चुअल मशीन दूसरी ESXi पे मूव हुई या नहीं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ही हमारा ये ऑन होता है हम ESXi होस्ट को बंद करने का काम करेंगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली होता क्या ना, टॉपिक इतने बड़े हैं कि हमें इनको पार्ट में कैटेगराइज करना ही पड़ता है, पार्ट में वीडियो को डिवाइड करना ही पड़ता है। तो डोंट वरी, हम कोशिश करेंगे सारी वीडियो, जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे सेट करते हैं वो सारी चीज़ें, सारी वीडियो हम तैयार करेंगे, क्रिएट करेंगे आपके लिए, राइट। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि HA हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, कॉन्फ़िगरिंग vSphere HA कंप्लीटेड, डन मीन्स आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो फुली प्रोटेक्टेड है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
अब किसी भी वर्चुअल मशीन ESXi पे जाते हैं, जैसे हमने ESXi 01 को चूज किया और यहाँ पे 2 VM रन कर रही है, राइट, App 01 के नाम से, टेम्पलेट के नाम से। हम इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ESXi के ऊपर पावर पे गए और पावर पे जाकर के इसको हमने शट डाउन कर दिया। उससे पहले आपको इसको मेंटेनेंस मोड पे देना जरूरी है, क्योंकि जब हम मेंटेनेंस मोड पे इसको मैनेज कर लेते हैं तो आप इसका RDP या रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं तो उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो पहला काम हमने मेंटेनेंस मोड पे मेंशन किया, और दूसरे केस में हम जाते हैं इसमें पावर ऑप्शन में और इसको शट डाउन कर देते हैं। कुछ भी इसमें कमेंट दे दीजिए, टेस्ट ऑफ HA एंड क्लिक ओके। इंतजार करते हैं, हमारी ESXi होस्ट जैसे ही टर्न ऑफ होगी, हमारी जो VMs हैं वो मूव होकर दूसरे ESXi में, जो उस टाइम पे रनिंग ESXi होगी वहाँ पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। क्योंकि जो जिस ESXi पे हमारी VMs रन कर रही हैं उसको हमने बैकएंड से क्या किया, पावर कट कर दिया या स्टॉप कर दिया, शट डाउन कर दिया, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी VM जो है ऑटोमेटिक मूव होनी चाहिए ESXi 2 पे जाकर के रन होनी चाहिए, ताकि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारी वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, वो स्मूथ तरीके से, वो प्रॉपर तरीके से उस वर्चुअल मशीन को यूज़ कर सके। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ESXi बंद होने के बाद भी इन वर्चुअल मशीन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, या क्या है वर्चुअल मशीन मूव होकर हमारी ESXi 2 पे जाएंगी या नहीं, तो वो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं पेज को, यहाँ से ये जा चुकी हैं मीन्स, क्योंकि ESXi ही नहीं तो ये वर्चुअल मशीन रन कहाँ कर पाएंगी, और चेक करते हैं क्या ESXi 2 में ये गई हैं या नहीं। यस, आप यहाँ पे देखो 3 वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, तो वहाँ से कौन सी आई, App 01 जो हमारा ESXi 1 पे था वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ गई है। थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, और जो हमारी दूसरी वर्चुअल मशीन है जो अभी भी हमें आई थिंक यहीं पे अवेलेबल है, ओके नो प्रॉब्लम, Template 01A ये भी सक्सेसफुली मूव होनी चाहिए और हमारे 20 pair क्लाइंट ESXi 2 पे ये सक्सेसफुली मूव हो चुकी हैं, राइट। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे 4 वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं, एक सिंगल ESXi रन कर रहा है, एक ESXi हमने बंद कर दिया है। ये वर्चुअल मशीनें अपने आप इसलिए मूव हुई क्योंकि हमने बैकएंड में HA कॉन्फिगर कर रखा है। तो उम्मीद है ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये पूरा प्रैक्टिकल हुआ, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ, हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू HA DRS एंड क्लस्टर वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इससे आपके जो दूसरे बंदे हैं जो टेक्निकलॉजी से जुड़े हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लगता है कुछ डाउट, कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट में बेझिझक कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें जो है वो चीज़ों को डिस्क्राइब करेगा कि और कैसे हमें अपडेट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट सून विद न्यू वीडियो, बाय बाय।